हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज भी रोज की तरह प्रिया नेहा के घर जाती है और बाहर से ही कहती है, नेहा चलो यार, स्कूल के लिए देर हो रही है। अगर आज भी समय से स्कूल नहीं पहुँचे तो निधि मैडम फिर पूरे ग्राउंड में चक्कर लगवाएंगी। यह कहते हुए प्रिया घर के अंदर चली जाती है। नेहा जो अपाहिज थी वो जल्दी जल्दी आटे में सने अपने छोटे बड़े हाथों को धोकर कमरे की ओर भागती है और हाथों से अपने लंबे बालों को सुलझाकर फटाफट चोटी बना लेती है। प्रिया चुपचाप उसे और उसके घर वालों को देखती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है पर अपनी सहेली के कारण कुछ नहीं बोलती। दोनों घर से बाहर निकलती ही है कि उसी के स्कूल में प्रथम पारी में पढ़ने वाली नेहा की छोटी बहन रजनी की साइकिल की घंटी सुनाई देती है। अब दोनों देर होने के डर से जोर जोर से चलना शुरू कर देती हैं। प्रिया नेहा का बैग लेने की कोशिश करती है पर स्वाभिमानी नेहा उसे कहती है, तुझे पता है ना, मुझे यह सब पसंद नहीं। तू मेरे कारण इतनी दूर स्कूल में पैदल जाती है, ये बात ही मुझे अच्छी नहीं लगती। तेरी दोस्ती और प्यार मेरी शक्ति है, तू मेरे साथ स्कूल आती जाती है, यही मेरे लिए खुशी की बात है। वरना मुझ जैसी काली कलूटी टेढ़ी मेढ़ी नाक वाली के साथ कौन जाना पसंद करेगा। मैं देखती भी हूँ मेरे कारण लोग तुझे क्या क्या बोलते हैं। और लड़के उफ कहते कहते नेहा का गलत रूंधने लगता है। यह सुनकर प्रिया गुस्से से कहती है, चुप कर नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। यह सुनकर नेहा हंसने लगती है और कहती है, मैं तेरी मार खा लूंगी। और बातें करते करते दोनों लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंच जाती हैं। अंदर से प्रार्थना का स्वर आ रहा है और मैडम ने जैसे तैसे स्कूल में प्रवेश करने दिया पर आगे नहीं जाने दिया। प्रार्थना की अंतिम पंक्तियां चल रही थी। प्रिया ने मैडम से कहा, मैम मुझे आज समाचार पढ़ने हैं, क्या मैं अंदर जाऊं? वैसे भी देर तो रोज ये काम वाली बाई करवाती है और आज भी। प्रिया बोल रही थी कि नेहा ने चिकोटी काटी। उई की आवाज सुनकर मैम ने गुस्सा किया। प्रिया ने जल्दी से अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए अपने हाथ से लिखे हुए आज के समाचार मैम को दिखाए। मैम ने भी प्रार्थना खत्म होते ही उसे दौड़कर अंदर जाने को कहा और हिदायत दे कि समाचार बोलते ही यहाँ आ जाना। हाँ, मैं सिर हिलाकर प्रिया दौड़ गई और नेहा बाकी लेट लतीफों के साथ पेड़ की छाया में खड़ी रही। दोनों पढ़ाई में ठीक और स्कूल की अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहा करती थी, इसलिए ज्यादा डांट तो नहीं पड़ती थी पर दोनों को कम बोलने की नसीहत रोज मिलती है। पर प्रिया चुप रहने वाली नहीं थी। वो अपनी अध्यापिकाओं को बताया करती कि नेहा घर में कुछ नहीं बोलती और सारा काम भी यही करती है और इसकी मम्मी सारा दिन बैठी रहती है। पहले इसकी छोटी बहन बना दिया करती थी, अब तो वो भी नहीं बनाती है। कभी कभी लगता है वो इसकी सौतेली माँ है। नेहा अपनी प्यारी सहेली प्रिया की हर गुस्ताखी माफ कर देती पर एक चिकोटी काटकर पढ़ने की लगन और उत्साह देखकर स्कूल में उसकी फीस माफ थी और किताबें भी स्कूल की तरफ से मिल जाया करती थी। ऐसा नहीं था कि घर वाले उसे पढ़ा नहीं सकते थे पर 4 लड़कियां और एक लड़के का ही बोझ काफी तक तथा वो सब पोलियोग्रस्त अपाहिज बेटी पर खर्चे करने से बचते थे। हाँ, पिता जरूर कई बार उसके सिर पर हाथ रखकर रो दिया करते थे। वो कई बार पत्नी से कहते, तुम इससे काम मत करवाया करो, इसे पढ़ने दो। पत्नी जवाब देती, ज्यादा पढ़कर कौन सा आकाश में उड़ेगी, ये रहेगी तो जिंदगी भर हमारे साथ, कम से कम घर का काम ही करने की आदत पड़ेगी। पत्नी की बात का जवाब नहीं दे पाते और पिताजी चुपचाप बेटी के पास बैठे रहते। धीरे धीरे वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, पैसा आने लगा पर नेहा के काम बढ़ गए, मगर पढ़ने के प्रति उसकी ललक कम नहीं हुई और न ही हौसला टूटा। दोस्तों का साथ और पिताजी की हिम्मत से वो पढ़ती रही।
धीरे धीरे सभी सहेलियों और बहन भाइयों की शादी हो गई। उसका भी बड़ा मन था घर बसाने का, मगर वो किसी को पसंद ही नहीं आई थी। किसी से कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन दुखी हुआ करती थी। उसकी सहेली प्रिया की शादी हो गई और वो शहर से बाहर चली गई, मगर उसका साथ छूटने का उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ। अब उसके साथ बाहर जाने वाला कोई नहीं था। वो प्राइवेट ही पढ़ाई करती और हर परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करती थी। एक बार प्रिया रिश्ता लेकर उसके घर आई। लड़का लड़की दोनों खुश थे, मगर उसकी माँ ने बिना बात किए ही वो रिश्ता ठुकरा दिया। नेहा को गुणों से प्रभावित होकर उसके लिए कई रिश्ते आए, मगर उसके माँ बाप हर रिश्ते में कमी निकालकर उसे अस्वीकार कर देती। उस समय दोनों ही नहीं जान सकी कि नेहा की माँ हर रिश्ता क्यों ठुकरा रही है। उन्हें तो बहुत दिनों बाद पता चला कि उसकी माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी घर से बाहर नहीं जाने देगी। इस तरह समय बीतता गया। पिता की गार्ड की नौकरी भी छूट गई। अब भाई भी गार्ड का ही काम करने लगा, लेकिन उसे खुद के अलावा घर से कोई मतलब नहीं था। अब तो सारे घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। उसने खुद ही विवाह का विचार अपने मन से त्याग दिया था। बेटी की पढ़ाई के प्रति ललक और घर के प्रति समर्पण देखकर माँ घर के कामों में उसकी मदद करने लगी। पिता के प्यार और माँ के व्यवहार में परिवर्तन से नेहा के हौसलों को तो जैसे पंख ही लग गए। वो प्राइवेट पढ़ते हुए भी सदा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती रही। एक बार 15 अगस्त के कार्यक्रम को देखने के दौरान उसकी मुलाकात अपने अध्यापिका शकुंतला जी से हुई, जो कि अब खंड विकास अधिकारी थी। शकुंतला मैम तो पहले से ही उसे बहुत प्रभावित थी, इसलिए वो स्वयं अपने स्थान से उठकर नेहा को देखकर उससे मिलने आई। नेहा की उपलब्धियों से वो बहुत खुश हुई। उन्होंने नेहा को अपने घर बुलाया और बीएड करने की सलाह दी। नेहा ने पहले तो मना किया कि अपाहिज अध्यापिका से बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो मजाक बनाएंगे। इस बात को सुनकर मैडम को गुस्सा आया और उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि फिर घर में बच्चों को क्यों पढ़ाती हो, परीक्षा देने घर से बाहर क्यों जाती हो, सब्जी लेने कपड़े खरीदने हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, लोगों की बातों को तुम कब से सुनने लगी, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अपने आप पर भरोसा करो नेहा, तुम्हारी जरूरत समाज को है, बच्चों के लिए मिसाल बनो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अध्यापिका से मिलने के बाद नेहा का आत्मविश्वास चरम पर था। बुलंद हौसले और मेहनत से उसने बीएड और अन्य कई डिग्रियां हासिल की और शीघ्र ही उसका चयन सरकारी विद्यालय में बतौर साइंस की अध्यापिका ले हुआ। उसकी प्रथम नियुक्ति उसी स्कूल में हुई जहां से उसने पढ़ाई की थी। उस समय उसे पढ़ाने वाली कुछ अध्यापिकाएं अभी भी उसी स्कूल में कार्यरत थी। अपने ही अध्यापिकाओं के साथ काम करके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे अध्यापिकाओं से भरपूर सहयोग भी प्राप्त हो रहा था। अपनी मेहनत प्रतिभा और जज्बे से नौकरी के साथ साथ उसने अन्य कई परीक्षाएं पास की और फिर खंड शिक्षा अधिकारी बनकर माता पिता की हर जरूरत पूरी करके अपने बेटी होने का दायित्व निभा रही है तथा गांवों और शहरों में शिक्षा की अलग जगा रही है। आज वो माँ की लाडली बेटी है, जो माँ अपाहिज होने के कारण उसे घर का काम सिखाकर उसे सिर्फ इस लायक बनाना चाहती थी कि कम से कम बेटी घर का काम काज सीखकर बाहर नहीं तो कम से कम घर में ही सहायक बने। आज वही माँ अपनी बेटी को अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाकर कहती है कि कोई माँ ये न सोचे कि बेटी अपाहिज है तो वो बोझ है, बल्कि हर माँ को ऐसा सोच त्याग कर बेटी को पढ़ने और आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना चाहिए। रात को खाने के समय दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। नेहा की माँ चाहती है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए,
पर वो साफ साफ मना कर कहती है कि माँ अब तुम्हारी नेहा कई लोगों के संघर्ष की सारथी बनकर उनका रथ खींच रही है। बहुत सी नेहा हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मुझे तो शकुंतला मैम ने राह दिखाई, उनको भी राह दिखाने वाला तो कोई चाहिए। अच्छा माँ बाप आप लोग सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम करके सो जाऊंगी, सुबह जयपुर जाना है। यह कहते हुए नेहा ने अपने छोटे बड़े हाथों में फाइल और पेन थाम लिया और अपना काम करने लगी और काम खत्म करके सोने चली गई। और लेटे लेटे सोच रही थी कि अगर शकुंतला मैम ना मिलती तो मेरा क्या होता, और मन ही मन उनको धन्यवाद देकर सो जाती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।